नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया रमेश भट्ट का गीत मेरी शान उत्तराखंड। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में अपने मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट के चर्चित गीत मेरी शान उत्तराखंड को लॉन्च किया। इस गीत की खासियत यह है कि इसमें उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती और संस्कृति के दर्शन तो है ही, अपनी मेहनत से उत्तराखंड की तकदीर में बदलने में जुटे युवाओं की प्रेरक कहानियां भी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह ने इस गीत को सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में युवाओं को बताने तथा स्वरोजगार को प्रेरित करने की दिशा में यह गीत सराहनीय प्रयास है। इससे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रिवर्स माइग्रेशन की भी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने बताया कि उनके द्वारा पिछले महीनों में स्वरोजगार यात्रा के दौरान प्रदेश में कई जिलों का भ्रमण कर स्वरोजगार की दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों से लगातार संवाद किया तथा उनके अनुभवों को जानते रहे। युवाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनकी प्रेरक कहानियों को अपने सोशल मीडिया पर भी वह शेयर करते रहे हैं। उनके वीडियोज को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है। इससे न सिर्फ स्वरोजगार के लिए अन्य युवाओं को प्रेरणा मिली बल्कि स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जानकारी भी युवाओं तक पहुंची। श्री भट्ट ने कहा कि इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने यह गीत तैयार किया है जिसमें उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति की झलक के साथ स्वरोजगार की दिशा में अच्छा काम कर रहे युवाओं को भी दिखाया गया है। गीत के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह पहाड़ की विषम परिस्थितियों से निकलकर युवा देश विदेश में अपने का डंका बजा रहे हैं। मेरी शान उत्तराखंड गीत के बोल हिंदी में है। शिल्पा प्रोडक्शन के तहत बने इस गीत का निर्देशन अजय ढोंडियाल ने किया है, संगीत ईशान ढोबाल ने, जबकि कैमरा व संपादक संदीप कोठारी ने दिया है। इस अवसर पर सीएम के ओएसडी धीरेंद्र पवार, अपर सचिव सुरेश जोशी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, मुख्य निजी सचिव विक्रम चौहान, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के मैदान हेमचंद्र भट्ट, कपिल चौहान आदि उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए देहरादून से ब्यूरो की रिपोर्ट। महेश भट्टी ने जो गीत लिखा है जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उसमें उत्तराखंड के गांव में राज्य सरकार के द्वारा किस किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि आम जन को रोजगार मिल सके, स्वरोजगार मिल सके और जो काम वहां पर हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं उनके सब प्रयास के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं।